अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए भाई साहब आए हैं, नए आदमी हैं, ठीक है। चार बंदे के लेकर आए थे ट्रेनिंग के, आज जुम्मा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। अभी ये बस छोटी गाड़ी अपने मुल्क में चलाए हैं, इनको बोल रहे हैं देखो भाई साहब अभी आपसे एल नहीं बन पाएगी, खाली अब सीधा बैक करो, अपना स्टेयरिंग का अंदाज ले लो। ये भाई साहब बोल रहे हैं देखो खाली मेरे मुझे थोड़ा स्टेयरिंग का प्रॉब्लम है, कहे कि सऊदी अरबिया में थोड़ा उल्टा स्टेयरिंग रहता है। देखिए भाई साहब उल्टा स्टेयरिंग का मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, इनको हम बता दिए हैं जो बोलते हैं ना, मतलब राइट साइड में स्टेयरिंग रहता है, बाएं साइड में अपने मुल्क में राइट साइड में रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनको अगर हम दमाम में लेकर गए थे तो रास्ते में दिए थे चलाने के लिए, तो सीधा चलाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा अच्छी चला रहे हैं। जो भी छोटी गाड़ी चलाए हैं या ट्रैक्टर चलाए हैं तो सीधा देते हैं तो सीधा चला पाते हैं, खाली इनको अगर सीधा बैक करने में अगर सीख जाए, इनको अंदाज मिल जाए सीधा बैक कैसे करें, हम कहे को अंदाज मिल जाती है, हम राइट में काट रहे हैं तो किधर जा रही है, अगर बाएं में काट रहे हैं तो किधर जा रही है, तो अच्छी तरह से अगर इनको स्टेयरिंग पे हाथ बैठ जाए तो अच्छी तरह से बैक कर पाते हैं। देखिए ऐसे आप ऐसा ही करेंगे तो बैक होगी, कभी इधर ज़्यादा काट रहे हैं कभी इधर ज़्यादा काट रहे हैं, हम देखिए सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा भी नया आदमी है मेरी कंपनी में, जो भी नए नए आदमी आते हैं छोटी गाड़ी चला के, चाहे कोई भी आदमी हैवी ड्राइवर में आते हैं, तो लोगों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, मतलब अपने आदमी आते हैं तो कोई भी नए आदमी आते हैं तो लाइसेंस बनाने में कम से कम 1.5-2 महीना लग जाती है, तो अच्छी तरह से बातचीत जो मिलजुल कर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं चलो ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग लेना सही बात है, कहीं भी मिलजुल कर रहना भी सही बात है, हर इंसान से अच्छी तरह से बात करो, इज्जत करो। देखिए कैसा टेर लगा रहे हैं, सीधा ही बैक नहीं कर पाते हैं, इनको हम बोल रहे हैं या डांट रहे हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं, स्टेयरिंग का अंदाज नहीं मिल रहा है, इधर उल्टा है, ऐसी कोई बात है नहीं, इनको अभी अंदाज नहीं मिल रहा है, अभी बड़ी गाड़ी कभी चलाए नहीं है, बैक नहीं कर पाए हैं। कोई भी भाई साहब की प्रॉब्लम होती है, बस इतना ही प्रॉब्लम होती है, एल बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दिल से अगर मेहनत करें आपको अंदाज मिल जाएगी तो एल आप बिल्कुल बना सकते हैं। एल बनाने से पहले आपको सीधा बैक करना सीखना पड़ेगा, अगर सीधा बैक कर पाते हैं तो आपको अगर अंदाज मिल जाती है तो आप एल बना लोगे, एल बना लोगे तो आप स्टेयरिंग के अंदाज आपको मिल जाएगी, उसके बाद से आप दल्ले में जाओगे तो दल्ले में एक ही बात रहता है, वहाँ पर बस सीधा गाड़ी देते हैं, उसके बाद से बोलते हैं बैक करके आओ, उसके बाद से एल बनाओ, एल बना के गाड़ी सीधा लगा लो। हम इन लोग को यही बता रहे थे, जो दोनों टायर रखे हुए हैं आप देख ही रहे हैं, तो चार लड़के के लेके आए थे, दो लड़के का भी हाथ अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम महीने दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग हाथ बैठ गया स्टेयरिंग पे, वो लोग एल बना पा रहे हैं, इसके बाद बैक करके लेके आ रहे हैं, दोनों टायर के बीच में एल बना रहे हैं, तो ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये नए नए आए हैं, 2 हफ्ता हो रहा है, लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज जुम्मा है, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह खाली इनको इतना बता रहे हैं आप खाली सीधा बैक जाओ, उसके बाद से आपको हाथ साफ हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से आपको स्टेयरिंग का अंदाज मिल जाएगी, आप अच्छी तरह से एल बना पाओगे। कोई भी भाई साहब अगर लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो बस वहाँ पे यही सुरता बोलता है, सीधा गाड़ी मिलेगी आपको, सीधा बैक करके लेकर आओ, उसके बाद से आपको सीधा एल बना के गाड़ी सीधा रहना चाहिए। चलिए भाई साहब कल ट्रेनिंग होगा, अब नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह शाम हो गई, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हेलो इस लेटर मत लो यार। चलिए भाई साहब बस हम यही बात बताने के लिए आए थे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, उल्टा साइड ये लोग बोलते हैं स्टेयरिंग है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए चार लड़के के लेके आए थे ट्रेनिंग के लिए, आज जुम्मा था, ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बस वो जो भाई साहब बैठे हैं जिस टोपी लगाए हैं उन्हीं का बस ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो भाई साहब नमाज के टाइम हो गई, ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।